बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक शिव मंदिर में युवक और युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद गुस्साए रहवासियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शाहपुर थाने में पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये मामला नगर परिषद शाहपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कल रात को एक प्रवीण महाजन है शाहपुर के, उनकी रिपोर्ट पे एक प्रकरण दर्ज हुआ है। महादेव मंदिर जो है शाहपुर में, उसमें एक लड़का है योगेश भोई करके, वो एक लड़की को लेके अंदर गया था और कुछ उसके साथ अनैतिक हरकत करता हुआ दिखा है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी उसने बना के हमको पेश किया है। तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रकरण हमने 298 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज किया है और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और हम उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। आज कुछ भीड़ भी इकट्ठी हुई थी इस बात को लेके, उनको सबको जानकारी दे दी गई है। उनको जो प्रथम सूचना पत्र है उसकी प्रति भी उनको साझा की गई और सभी को संतुष्टिपूर्वक बताया गया है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि ये मंदिर से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए भीड़ लगना या लोगों का एकत्र होना निहायत स्वाभाविक सी बात थी और उसमें कुछ लोग उत्तेजित थे, उनको भी समझा दिया गया है। महादेव मंदिर 3 और 4 नंबर जो वार्ड है उसके स्थित, उसके बीच में स्थित है और वहाँ बहुत सारे लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। तो उसी मंदिर में कल के रोज़ अप्राकृतिक अनैतिक कृत्य वहाँ हुआ है। तो जिसने लड़कों ने भी उसको बाहर निकलते हुए दिखाया, वीडियो भी बनाया उसका, तो उसके विरोध में हम लोग सब यहाँ। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ, जब मंदिर जीर्णोद्धार उसका बनाया उसके बाद में अभी तक तो किसी ने देखा नहीं। ये पहली बार ऐसा देखने में आया है और वहाँ महिलाएं रहती है, बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं। शाम के 5 बजे के टाइम वहाँ पाठ होता है, 7 बजे तक पाठ होता है, सुबह शाम में आरती होती है। इसके पहले ऐसा कभी कृत्य नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा कृत्य हुआ, इसलिए सब लोगों में ज़्यादा रोष है।